दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुंज विद यश के। तो आज मैं बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल फाइल है आप लोगों का, ईपीसी फर्स्ट का, महात्मा गांधी का, उसको मैं आप लोगों को कैसे बनाना है ये बताऊंगी। तो आप लोग स्टार्टिंग से देख लीजिए। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर टाइटल लिखेंगे, फिर पेज नंबर लिखेंगे, फिर रिमार्क लिखेंगे, और ऐसे ही करके फर्स्ट में आप लोगों का प्राकथन हो जाएगा। फिर सेकंड गांधी जो हमने लिखा है सबको लिखेंगे, फिर गांधी जी का जीवन परिचय, फिर महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन, फिर गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, फिर गांधी जी की शिक्षा के अन्य पक्ष, फिर गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा, फिर गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, फिर गांधी जी के सिद्धांत, फिर मूल्यांकन, ये सब आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद क्या है कि ये आप लोगों का प्राकथन हो जाएगा, जो कि लिखना होता है, इंडेक्स बनाना है, और उसके बाद आप लोगों का आ जाता है प्राकथन। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे और आप लोग प्रैक्टिकल इसी तरह बनाइएगा और काफ़ी अच्छा आप लोगों का बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व और विचारधारा आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री के रूप में जानते थे। उनका यह मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अतः गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना, जिसके लिए सभी वर्ग के लोगों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों और सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है। और हम लोग इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, फिर पैराग्राफ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, अतएव उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वह अद्वितीय था। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को 3H की शिक्षा अर्थात हेड हैंड हर्ट की शिक्षा दी जाए। शिक्षा उन्हें स्वावलंबी बनाए और वे आत्मनिर्भर बने। गांधी जी भारतीय, यहाँ पे आप लोगों को फिगर चिपका देना है महात्मा गांधी का, और उसके बाद फिर आगे चलना है। फिर यहाँ पे गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल फ्री कहा। इसके पीछे का कारण यह था कि गांधी जी ने कहा, भारत की शिक्षा सरकारों की बजाय समाज के अधीन थी। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के सिद्धांत, जैसे बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ताकि अधिक से अधिक बालकों को शिक्षा की प्राप्ति हो सके। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे गांधी जी का जीवन। तो यहाँ से फिर शुरू होगा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कठियावाड़ के गुजरात प्रदेश की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। मैं ऐसे पढ़ दे रही हूँ और आपको एक वीडियो उपलब्ध रहेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुजरात प्रदेश की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट में दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। माता के धार्मिक विचारों का गांधी जी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की अल्प आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी नामक स्त्री से हुआ। प्रारंभ में गांधी जी साधारण कोट के विद्यार्थी थे। 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसी वर्ष उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ पर वह 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में अध्ययन किया। 1891 ईस्वी को बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। प्रारंभ से उन्होंने वकील के रूप में कार्य किया, परंतु अधिक सफल न हो सके। 1893 ईस्वी में एक मुस्लिम व्यापारी के मुकदमे की परवीह करने उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यद्यपि गांधी जी वहाँ केवल 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु वहाँ पर उन्हें अपने देशवासियों की दुर्दशा थी। उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार ने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि वे उनकी दशा को सुधारने तथा अंग्रेजों द्वारा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। वहाँ 20 वर्ष तक रहे। दक्षिण अफ्रीका रहकर उन्हें स्वतंत्रता का मूल मालूम हुआ। और फिर यहाँ पे फिर आप लोग को कोटेशन लिखना है गांधी जी का, जो व्हाइट पेज पे होता है, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे वही लिखना है कि वहीं से उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया, जिसके लिए उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया। सन 1914
यूपी में भारत आए और भारत के राजनीतिक क्षेत्र में खुद का ब्रिटिश शासन का विरोध किया। सन 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हरिजन उद्धार एवं ग्रामोद्योग तथा अन्य समाज सुधार तथा रचनात्मक कार्य करना था। सन 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किया। 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया। तत्पश्चात स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। यह समझौता 6 मार्च सन 1931 को हुआ, जो गांधी इरविन समझौते से जाना जाता है। इसके बाद सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। महात्मा गांधी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानी जेल भेजे गए। 1942 ईस्वी में सबको मुक्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1948 ईस्वी को एक संकीर्ण व्यक्ति जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर यहाँ पे हम लोग कोटेशन लिखेंगे और कोटेशन लिखने के बाद फिर आगे चलेंगे और आगे यहाँ पे हम लोगों का होगा महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों थे। धर्म में इनकी बहुत आस्था थी। वे चरित्र निर्माण, सहयोग, एकता, साहसी उच्च विचार, सत्य, प्रेम और राष्ट्रीय उत्थान पर निरंतर बल देते थे। इनके दर्शन के 4 स्तंभ थे। सत्य, गांधी जी ने सत्य को सर्वश्रेष्ठ मानव मूल्य माना, जिसका मन, वचन और कर्म से पालन करना अनिवार्य बताया। अहिंसा, हिंसा का पूर्णतया त्याग, निर्भयता, दमन के विरुद्ध निर्भय होकर आवाज उठाना, सत्याग्रह, सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना। और फिर यहाँ पे आगे हम लोग फिर कोटेशन लिखेंगे और कोटेशन लिखने के बाद फिर आगे चलेंगे। आगे है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गांधी जी ने लिखने पढ़ने जैसे साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं माना है। इसके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का आरंभ है। वह तो केवल स्त्री व पुरुष को शिक्षित करने का साधन है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। शिक्षा बालक में सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास करती है। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमताओं को अंदर से बाहर प्रकट एवं उत्तेजित करती है। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार परीक्षा का अर्थ और शरीर वृद्धि भावना और आत्मा के पूर्ण विकास से है। अंततः गांधी जी मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 3 R रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक को 3 H हैंड, हेड एंड हार्ट में परिवर्तित करते हुए पढ़ना, लिखना और गणित के स्थान पर हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास पर अत्यधिक बल दिया। गांधी जी के शिक्षा के अन्य पक्ष निम्नलिखित हैं, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा। आप लोगों को मैं ऐसे ही बस दिखाते जा रही हूँ और आगे का आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आ जाता है गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा, हम लोग उसको लिखेंगे। फिर गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, इसमें आप लोग मूल्यांकन लिख दीजिएगा और इसके बाद यहाँ तक, और ये हम लोगों का महात्मा गांधी जी का प्रैक्टिकल फाइल बनकर तैयार हो जाएगा। और बीएड का
हर सेमेस्टर में आप लोगों को 4 फाइल बनानी है, जिसमें कि आप लोगों को एक ड्रामा एंड आर्ट्स का है, एक माइक्रो टीचिंग का है और एक महात्मा गांधी का, मतलब किसी भी दार्शनिक का, 2 दार्शनिक का लिखना है, एक महात्मा गांधी का, फिर आप एक किसी का भी लिख लीजिएगा। और ये यूपी बीएड के लिए मतलब है, बाकी बिहार बीएड में भी महात्मा गांधी वाला और बाकी सारी फाइलें काम आ सकती हैं। तो इसी तरह हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और अगला वीडियो हम रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रैक्टिकल फाइल लेकर आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।